serie. सबसे पहले हम छोले बनाएंगे। छोले बनाने के लिए मैंने यहाँ पे छोले को ओवरनाइट पूरा भिगो के रखा था। अब हम इन्हें प्रेशर कुकर करेंगे। प्रेशर कुकर के लिए हमें 4 से 5 सीटी लेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कुकर में हम ऐड करेंगे छोले। अब इसमें हम डालेंगे नमक। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं चाय। मैंने उबाल ली थी वो हम छान के डाल। थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। पानी ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम ऐड करेंगे सोडा। सोडा गैस ऑन करके हम इसके 5 to 6 मिसल ले लेंगे। जब तक हमारे छोले हैं तब तक हम भटूरे का आटा रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हमें लगेगा मैदा, नमक, सोडा और दही। तो चलिए मैदे का डो हम रेडी कर लेते हैं। डो बनाने के लिए पहले हम मैदा लेंगे। थोड़ा सा मैदा हमें बचाना है सूखा आटा। हम इसमें ऐड करेंगे दही। अब ऐड करेंगे नमक और नेक्स्ट हम ऐड करेंगे सोडा। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आटा हमारा गूंद चुका। थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे और भटूरे बनाना स्टार्ट कर लेंगे। भटूरे बनाना स्टार्ट करते हैं। डो बनाते वक्त आप थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर सकते हैं डो गूंदते वक्त। उससे आपका आटा जो है वो और सॉफ्ट हो जाएगा और अच्छे से गूंद जाएगा। अब हम भटूरे बनाते हैं। रोटी की तरह ही हमें बनाना है। खाने का मजा ही कुछ और होता है। मैंने कढ़ाई रख दी थी ऑयल गर्म करने के लिए। अब हम इसमें भटूरे छोड़ेंगे। आराम आराम से हमें भटूरे छोड़ना है। सारा रेडी है। अब हम छोले बनाने की तैयारी करते हैं। छोले की मिसल हो चुकी है। छोले भी हमारे सॉफ्ट हो गए। अब हम इसका मसाला रेडी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मसाला रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 मीडियम साइज टोमेटो, 4 से 5 हरी मिर्ची, छोले मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, लाल मिर्ची पाउडर, नमक, 4 से 5 लहसुन, अदरक। सबसे पहले हम 2 मीडियम साइज टोमेटो, हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन को ग्राइंड कर लें।
पेस्ट रेडी हो गया है। आप चाहो तो पीसते वक्त इसमें आप काली मिरी, दालचीनी आप ये ऐड कर सकते हो, इससे और फ्लेवर आपका बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गैस ऑन करके मैंने पतीला गर्म करने रख दिया है, इसमें ऑयल ऐड करते हैं। जीरा ऐड करते हैं, जैसे जीरा हो जाएगा पेस्ट ऐड करेंगे। डाल देंगे, थोड़ा गैस का फ्लेम लो करते हैं, थोड़ा सा टमाटो पकने देते हैं। और छूट चुका है, थोड़ा सा टमाटो भी पक चुका है और ऊपर आ रहा है। अब हम मसाले ऐड करेंगे, गैस का थोड़ा फ्लेम लो ही रखेंगे। मसाले ऐड करते हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, छोले मसाला, लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस का फ्लेम थोड़ा फास्ट कर लीजिए। और एक मिनट के लिए ढक के रखेंगे। एक मिनट हो गया, मसालों को देख लेते हैं। छोले ऐड करेंगे, मिक्स कर लेते हैं। एक मिनट हो गया है, मसाले अच्छे से छोले को लग गए हैं। आधे ग्लास तक पानी डाल देंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे। इसे ढक के रखते हैं एक मिनट के लिए। और कर लेते हैं, पूरी तरीके से हो चुके हैं। बहुत ही डिलीशियस डिश है, आप जरूर ट्राई कीजिए। हम साफ करते हैं सर्विंग बाउल में। गार्निशिंग के लिए हम
कोथिंबीर डालेंगे ऊपर से। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।